हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं व्रत में खाने वाली खीर। तो खीर हम बना रहे हैं मखाना से। तो ये हमने एक कटोरी मखाना ले लिया है और ये हमने फुल क्रीम एक लीटर दूध ले लिया है। दूध को हमने अच्छे से पका लिया है और भी इसको हम पकाने के लिए रख देते हैं क्योंकि दूध हमें गाढ़ा चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा पकाने के लिए रख देते हैं। तो दूध हमने पकाने के लिए रख दिया, तब तक हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं अपने ये मखाने। तो मखाना हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तब तक हमारा दूध भी पक गया है। तो ये मखाना हमने निकाल लिया है कढ़ाई से, उसी कढ़ाई में हम दूध डाल देते हैं। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छे से पक गया है, इसमें खोल आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मखाना अपने। तो ये हमने मखाने डाल दिए हैं, अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मखाना हमारे समझ लीजिए कि पक ही गए हैं, आधा समझ लीजिए पक गए। चार चम्मच चीनी डाल देते हैं, अब इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमको मखाना को पका लेना है। ये मखाना हमारे दूध में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मेवे। तो मेवा हम डाल रहे हैं नारियल कटा हुआ और ये थोड़े से किशमिश। लीजिए दोस्तों, हमारी ये व्रत में खाने वाली मखाना की खीर बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत झटपट बन जाती है। सिर्फ ये 2 मिनट में खीर हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो आप व्रत जब भी रहें तब इसको इस तरह से खीर बनाकर खाइए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम दिखाते हैं आपको हमारी खीर ये कैसी बनी है। तो ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सबसे इसमें खास बात तो ये है कि बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से बनाकर खाइए, फिर हमें कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।